अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार की वापसी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में आ चुके हैं। भाजपा सरकार लगातार यूपी के हित में बड़े फैसले ले रही है। इसी कड़ी में जुड़ते हुए मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने आज मेरठ के ओलिविया होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजेंद्र अग्रवाल ने आज भविष्य में किए जाने वाले कार्य व नई नीतियों के बारे में बात की। आइए सुनते हैं फर्स्ट बाइट से हुई उनकी यह बातचीत। भाजपा का हमेशा हर चुनाव में एक ही मुद्दा रहता है, विकास का मुद्दा, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो प्रदेश की सरकार हो। 2014 में माननीय मोदी जी केंद्र में हमारे पहली बार प्रधानमंत्री बने, तब से लेकर के आप देखिए केंद्र अंदर प्रत्येक क्षेत्र के अंदर विकास दिखाई देता है। और 2017 में जब माननीय योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से प्रदेश में खास तौर से विकास की गति तेज हुई है। तो वही हमारा एजेंडा रहेगा, गरीबों को ध्यान में रख करके, गाँवों को, किसानों को, नौजवानों को ध्यान में रख करके जो भी योजनाएँ हम निरंतर लेते चले आ रहे हैं और आगे बढ़ाएंगे। और उत्तर प्रदेश को हम देश का सर्वश्रेष्ठ और देश प्रदेश बनाने का हम प्रयत्न करेंगे, वो हमारा लक्ष्य है। चाहे वो जीडीपी का विषय हो, आर्थिक विषय हो, चाहे वो किसानों की स्थिति, प्रत्येक क्षेत्र के अंदर हम उत्तर प्रदेश को अग्रणी प्रदेश पूरे देश का बनाने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। प्रशासनिक जो स्थानांतरण होते हैं ये तो रूटीन क्रिया है, ये कोई उस प्रकार के फैसले नहीं माने जाते। ये तो निरंतर परिवर्तन चलता रहता है, अधिकारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाते हैं, क्योंकि बहुत समय तक यदि कोई अधिकारी एक स्थान पर रहते हैं तो बहुत बार उनके वेस्टेड इंटरेस्ट खड़े हो जाते हैं, लोगों से संबंधों की समस्या पैदा हो जाती है, फिर पदोन्नति की दृष्टि से भी अन्य स्थानों पर भेजना जरूरी होता है। तो ये तो प्रशासन की एक रूटीन एक्सरसाइज है, और क्योंकि अभी आचार संहिता लगी हुई थी, अब तक कई महीनों से वो समाप्त हुई है, तो ये ट्रांसफर होने स्वाभाविक थे और आगे भी होंगे, इसमें कोई नई बात नहीं है। मेरठ को जाम मुक्त करने के लिए क्या ऐसी खास नीतियां हैं और क्या कार्य किए जा रहे हैं? देखिए, मेरठ में जाम की समस्या बहुत पुरानी है और उसके कई कारण हैं। एक तो यह है कि मेरठ के चारों तरफ रिंग रोड का अभाव था, दूसरा यह है कि मेरठ के अंदर कोई फ्लाईओवर नहीं है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, कुछ अतिक्रमण की भी समस्याएं हैं। ये जो सारे विषय हैं इनके ऊपर बातचीत तो होती रहती थी, परंतु कोई समग्र रूप से योजना नहीं बनती थी। इस बार हमने कुछ बिंदु अधिकारियों के ध्यान में भी दिलाए हैं, जैसे बस अड्डे हैं हमारे दो, ट्रांसपोर्ट नगर है, इनके कारण से बहुत जाम होता है। और यदि बाहर चले जाएंगे तो हमको पार्किंग प्लेस भी मिल जाएगा, पार्किंग बनाने का प्लेस भी मिल जाएगा, तो जो इनको हटाया जाए। जो हमारा बेगमपुर का चौराहा है, बड़ा व्यस्त चौराहा है, हबड़ुड्डे का चौराहा है, या इधर जो है तेजगढ़ी का चौराहा है, इनके ऊपर फ्लाईओवर बनाया जाए। अब रैपिड रेल मेट्रो रेल से भी इसका तालमेल बना करके इसका आपको करना होगा। इसके अलावा जो रिंग रोड्स हैं उनको कंप्लीट किया जाए, तो कुछ रिंग रोड तो मंजूर हो भी चुकी हैं, जो हापुड़ रोड से गढ़ रोड, गढ़ रोड से मवाना और रुड़की रोड, इसकी मंजूर हो चुकी है। और अभी हापुड़ रोड से दिल्ली रोड को भी जोड़ने की भी बात आपने देखा जो समाचार पत्रों में मीडिया बना रहे, वो भी होगी। तो ये पूरी की पूरी जो रिंग रोड होगी तो उससे बहुत सारे लोगों को शहर के अंदर से जाने की मजबूरी नहीं होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट।